हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज एक और बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। आईजू मीरपुर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। दो बड़ी खुशखबरी आपके पास लेके आए हैं, दो नोटिस आपके पास लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी इसको देखें, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए न्यूज़ रहेगी। तो दोस्तों, जो हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जब मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं आईजू मीरपुर से जुड़ी दो खबरें कौन कौन सी हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ PhD का वाइवा। दोस्तों, पहली खबर तो आपके लिए ये है, ऑनलाइन माध्यम से PhD का वाइवा हुआ। और सेकंड खबर आपके लिए है, MCA कोर्स अब 3 साल की बजाय 2 साल का दोस्तों किया गया। तो दोस्तों, काफ़ी अहम बड़ी खबरें हैं आपके लिए ये। दोस्तों, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए आप। तो बात करते हैं आईजू मीरपुर रेवाड़ी के अंदर, तो दोस्तों ये खबर को और क्या कहा गया। आईजू मीरपुर के वाणिज्य एवं गणित विभाग में PhD का अंतिम वाइवा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाया गया। गणित विभाग में कुमारी सरिता का PhD वाइवा ऑनलाइन माध्यम से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से प्रोफेसर TD नारंग ने लिया। सेकंड आपके पास, इसमें कुमारी सरिता ने प्रोफेसर ममता कमरा के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य संपन्न किया है। वाणिज्य विभाग में अमित एवं कुमारी सुमन का PhD वाइवा भी ऑनलाइन माध्यम से करवाया गया। अमित ने अपना शोध कार्य वाणिज्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न किया। तो दोस्तों, वाइवा इनका लिया गया है, PhD का वो ऑनलाइन लिया गया है। दोस्तों, ये काफ़ी अहम खबर है आपके लिए। अब बात करते हैं, अवधि कम होने पर पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा रहा है दोस्तों। तो ये बदलाव कैसा है आप देख सकते हैं इसके अंदर। वही जो आपके पास SICT द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत, अब से MCA अर्थात मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स 3 साल के बजाय 2 साल की अवधि का रखा गया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 545वीं मीटिंग के एक महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में रखा गया था और वहां से उनको अनुमोदित किया गया था। यह निर्णय अब जो आपके ये संसाधन में, ये जो संस्थान है भाई, संस्थान एवं विश्वविद्यालय पर लागू होगा, कि आपके जो ये MCA की जो 3 साल का कोर्स होता था, ये आपके बार क्या कर देंगे, 2 साल कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 2 साल करने के बाद, यह निर्णय लागू होने के बाद, अब विद्यार्थियों का क्या बच जाएगा, 1 साल बच जाएगा दोस्तों। काफ़ी अहम खबर है आप लोगों के लिए, कि आपका MCA का दाखिला, जैसे आप लोगे अभी तो 3 साल का कोर्स करना पड़ता था, अब आप क्या करोगे, 2 साल का कोर्स आपको करना होगा। वही कुमारी सुमन जागड़ा ने अपना शोध कार्य डॉक्टर पिंकी रानी के मार्गदर्शन में किया और कुमारी सुमन का वाइवा संपन्न करवाने के लिए हैदराबाद के विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ने क्या लिया, जो प्रोफेसर वेंकटेश्वर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। तो सुमन जांगड़ ने अपना शोध कार्य रियल सेक्टर में आवासीय क्षेत्र के संदर्भ में ग्राहक संतुष्टि विषय का संपन्न किया। डॉक्टर पिंकिरानी ने कहा कि वाणिज्य विभाग हमेशा ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोई ना कोई दोस्तों आपके पास इसकी खबर बताते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास खबर थी ये, आप लोगों के सामने हमने शेयर करनी थी, कि आपके पास आईजू मीरपुर यूनिवर्सिटी की दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों आपके लिए, कि इनका PhD का दोस्तों अब की बार वाइवा ऑनलाइन हुआ है। और सेकंड खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपका MCA कोर्स है, उसका आपके पास वो 3 साल का होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, अब क्या होगा, आगे से 2 साल का होगा, और विद्यार्थियों क्या बच जाएंगी, 1 साल दोस्तों बच जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए। यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो अपने साथियों तक भी इसको शेयर कीजिए,
काफी अहम इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं, आपके पास नया मार्गदर्शन निकालने के लिए तत्पर रहा है। आज कोविड की समस्या को देखते हुए यह उपयुक्त माध्यम है। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तेज सिंह ने शोधकर्ता एवं उनके गाइड को बधाई दी। कहा है कि शोध कार्य राष्ट्र एवं समाज के विकास में योगदान देने के लिए किया जाना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आपके सामने हमने बताया कि आईजी मीरपुर यूनिवर्सिटी के दो बड़ी बड़ी खबरें कौन सी थी। दोस्तों, पहली खबर थी इसकी एमसीए की, जो कोर्स आपका 3 साल का होता था, अब वो 2 साल का कर देंगे। पहली खबर तो ये। सेकंड खबर आपके पास ये है कि आपका जो पीएचडी का अब की बार जो ये वाइवा लिया गया था, ये ऑनलाइन माध्यम से लिया गया। दोस्तों, आपने ये खबर मैंने पढ़ी, आपने सुनी। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके पास हर आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए आपके लिए ये बहुत ही खास दो न्यूज़ थी। तो दोस्तों, आप अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, जो इसमें अगले साल जो एडमिशन लेना चाहें उन तक भी पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खास खबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।